So this is our first question. Express trigonometric ratio sine a secant a tan a in terms of cot a. ठीक है, तो इसको अब हम आइडेंटिटीज की हेल्प से कैसे यूज करेंगे. सो हमें साइन ए सीकेंड ए टैन ए की वैल्यूज फाइंड करनी है बट कॉट ए की टर्म्स में. तो अब हमारी जो कॉट ए वाली आइडेंटिटी हम उसको यूज करेंगे, तो सीकेंड स्क्वायर ठीक है ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. यही हमारी आइडेंटिटी थी. ठीक है, अब कोसेकेंड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. अब अगर मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर आके रूट बन जाएगा वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. ठीक है, तो वन का स्क्वायर रूट करेंगे तो वन ही आएगा और नीचे जो कॉट स्क्वायर ए है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. सो दिस इज आर फर्स्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ साइन ए. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सीकेंट ए की. तो सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए. ठीक है, तो सीकेंट की वैल्यू तो हमें चाहिए, तो सीकेंट स्क्वायर ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो टैन की जगह लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए. फिर यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, अब ये सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे, सीकेंट ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए. तो अब जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऊपर तो स्क्वायर रूट आएगा ही क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो अभी हमने फाइंड किया नहीं है, नीचे स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर हमारा हट जाएगा और स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा. सो आर वैल्यू विल बी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट ए. नाउ नेक्स्ट वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट टैन ए. तो टैन ए जो है वो होता ही वन अपॉन कॉट ए के इक्वल है, तो दिस इज द थर्ड वैल्यू दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो दिस इज आर फर्स्ट वैल्यू इज साइन ए, दिस वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज द सीकेंड ए, दिस इज द आंसर, एंड द थर्ड वैल्यू इज टैन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए.